हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और काफ़ी लोगों ने दोस्तों एक सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा है व्हाट्सएप पे भी और बहुत जगह कि आखिर ये जो कंपनियां आपको बार बार धमकी देती है आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा या आपके ऊपर क्रिमिनल केस किया जाएगा, तो ऐसा क्या सच में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर आपने किसी भी NBFC एप्लीकेशन से लोन लेकर उसका लोन वापस नहीं किया तो क्या एप्लीकेशन आपके ऊपर फ्रॉड वगैरह का केस कर सकती है? क्या आपको जेल जाना पड़ सकता है? ये लगभग हर उन आदमी का क्वेश्चन होता है जो अब लोन नहीं दे पाते हैं और वो ये सेम क्वेश्चन रिपीट पूछते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में ये क्लियर बताने वाला हूँ, वो भी पूरे फुल आपको समझाने के साथ कि आखिर क्या सच है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा। साथ ही में आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप भी पर्सनल लोन लेकर इसमें फंस चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि किसी कंडीशन की वजह से लोन का पेमेंट ना करके 6 महीने बाद या 1 साल बाद भर पेमेंट करना, या आपको इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है, आपकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, फ्यूचर का कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, जॉब नहीं है, हेल्थ इशू है, इस हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं, अब ये लोन कंपनियाँ परेशान कर रही है, तो फिर क्या किया जाए? तो चलिए मैं आपको एकदम डिटेल में डिस्कस करके बताता हूँ कि आखिर क्या आपके साथ हो सकता है। सबसे फर्स्ट में तो NBFC कंपनीज़ आपको जब पैसा देती है तो उस टाइम आपसे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट होता है। 24% से मैक्सिमम ज़्यादा ही सबका इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। आखिर इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करने के पीछे इन लोगों का एक ही लॉजिक होता है कि जो पर्सनल लोन दिया जाता है वो काफ़ी रिस्क पे दिया जाता है, यानी आप तो वापस नहीं करते हैं तो वो पैसा कंपनी को पूरा लॉस हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, अगर वो पैसा आप वापस नहीं करेंगे तो पैसा कंपनी को पूरा लॉस हो सकता है। क्या कंपनी पैसा रिकवर करने के लिए कोर्ट में केस करेगी या फिर पुलिस के पास जाएगी, इसके बारे में भी काफ़ी लोग सवाल करते हैं। कंपनियां ज़्यादातर क्या करती है कि आपको नोटिस भेज के कॉल करके धमकी देकर डराने की कोशिश करती है। ज़्यादातर उन लोगों का फोकस होता है कि आपको डरा कर और किसी तरह करके आपसे जो भी अमाउंट है उसको वापस ले लिया जाए। लेकिन जब उसको समझ में आ जाता है कि सामने वाले बंदे की कंडीशन सही नहीं है, वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो फिर कंपनियां क्या करेंगी कि आपके रिलेटिव्स को कॉल करना स्टार्ट कर देंगी या आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेजना स्टार्ट कर देगी। और इसके बाद भी अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया, क्योंकि जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि रिकवरी एजेंट से कैसे छुटकारा पाना है, नोटिस वगैरह से कैसे ये करना है, निकलना है बाहर, तो इन सभी के बारे में जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता है। जो लोग नए आए वो सब्सक्राइब करेंगे तो उनको भी मैं एक एक करके वीडियोस में बताता रहूँगा कि आखिर कैसे इन सब से बाहर आना है। अब मेनली कंपनियां ये करेंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेल पे और बार बार व्हाट्सएप पे धमकी देगी कि आपके खिलाफ़ हम लोग लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं, नहीं तो 24 घंटे के अंदर या फिर 48 घंटे के अंदर पेमेंट आप अपना जल्द से जल्द कर दें। ऐसे काफ़ी लोगों के क्वेश्चन हैं और मैंने ऐसे काफ़ी मैसेजेस भी देखे। तो ये भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक डराने का है तरीका, असल में ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला है। अगर किसी भी NBFC एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है तो कोई भी कंपनी इतनी जल्दबाजी में किसी के ऊपर भी केस वगैरह नहीं करती है, ख़ास करके तब जब आप जेन्युइन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि जेन्युइन डिफ़ॉल्टर अगर आप हैं तो फिर अगर आपके खिलाफ़ कंपनियां कितनी भी धमकी दे केस करने की, ऐसा अभी तक देखा नहीं गया कि किसी के ऊपर केस हुआ हो, लेकिन इन केस अगर केस हो भी जाता है तो भी आपके ही फेवर में डिसीजन जाएगा। ऐसा कब होगा? जब आपने जेन्युइनली डिफ़ॉल्ट किया हो, यानी कि आपके पास सच में कोई भी पैसा नहीं है वापस देने को और आपके पास पूरा प्रूफ है, रिकॉर्ड है कि आखिर आपका वो पैसा कहाँ चला गया। अगर आपने कहीं खर्च कर दिए हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर में या आपके पास जॉब नहीं है जिस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। कंपनी ही को सीधे मेल करके ये बात बता देनी है कि सुनिए कंपनी वालों, मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 6 महीने या साल भर आप लोग रुके। उसके बाद मेरे पास आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है फुल टाइम पेमेंट करने का और दूसरा ऑप्शन मिलता है वन टाइम सेटलमेंट करने का। या तो आप फुल टाइम पेमेंट करके लोन क्लोज कर सकते हैं या फिर वन टाइम सेटलमेंट करके लोन क्लोज कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि आखिर क्या किया जाए। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे कब, जब 6 महीना या साल भर आपके लोन ड्यू हो चुके हैं और कंपनी को पता चल गया है कि सामने वाला बंदा आप पैसा किसी भी कीमत पे नहीं दे पा रहा है। सेटलमेंट ऑफर भी ऑल फुल टाइम पेमेंट ऑफर दोनों आपको मिलेगा।
आपको जिसमें सहूलियत हो उसमें आप पेमेंट करके बाहर निकल सकते हैं, अपने हिसाब से टाइम वगैरह ले सकते हैं। इन केस अगर पेनल्टी लगा देती है, ज़्यादा चार्जेस लगा देती है, तो फिर आप कंपनी को रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया जी मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसी वजह से मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया, और आपने जो ये मेरे ऊपर जितने भी चार्जेस लगाए हैं उन सबको जल्द से जल्द हटा दीजिए। अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जेन्युइन डिफॉल्टर अगर आप हैं, सच में आपने पैसा ऐसे लिया था कि वापस देंगे लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, तो फिर इस कंडीशन में आपके खिलाफ दोस्तों कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली है, खासकर तब जब आपने कंपनी को पहले ही मेल करके रिक्वेस्ट भेज दी है कि अभी पैसे नहीं हैं, बाद में पैसे देंगे। अब मेल कैसे करना है इस पर भी वीडियो आ चुकी है, तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, और एक और वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। अब अगर ऐसी धमकी आपको मिलती है कि आपके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे या लीगल एक्शन लेंगे, तो दोस्तों ये सब आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 99.99% केस में अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर है तो अगर आपके ऊपर कंपनी केस भी करती है तो वहाँ से भी उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उनका टाइम और पैसा बर्बाद होगा, इसलिए कंपनियाँ ऐसा नहीं करती है। अगर आपने इंटेंशनली डिफ़ॉल्ट किया, यानी आप पैसा है लेकिन जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे केसेस में 2% केस में कंपनी केस करती है, 98% केस में तो नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे सिविल पे काफ़ी ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है और सिविल स्कोर ज़िंदगी भर के लिए ख़राब हो जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि 6 महीने साल भर बाद अगर आपको सहूलियत हो तो पेमेंट कर दें, अगर इनके सहूलियत नहीं है तो भी आप कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि और ज़्यादा टाइम ले लें और उसके बाद पेमेंट करें। तो इसके लिए आपको टाइम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि पर्सनल लोन आपने अपने खुद के यूज़ के लिए लिया था। अब अगर कंपनी वाले इस बीच में आपको किसी तरह की तंग करते हैं या हरेसमेंट करते हैं तो इसका क्या सॉल्यूशन हो, तो इसके लिए आपको सिंपली उनको रिकॉर्ड करना है, लॉ के हिसाब से आप लोग चलें, बिल्कुल भी लॉ और ऑर्डर को अपने हाथ में लेना सही नहीं है। रिकवरी एजेंट से मारपीट करना या फिर कॉल पे गाली गलौज करना, इससे आपके ऊपर ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और आगे चल के आपको दिक्कत और ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए आप क्या कीजिए कि किसी का कॉल आए तो उसको रिकॉर्ड करके अच्छे से देखिए, अगर उसमें किसी तरह की बदतमीजी हुई आपके साथ या किसी तरह का दुर्व्यवहार किया गया है तो पहले कंपनी को ही ये मेल भेजिए कि देखिए आपके ही किसी ने एजेंट ने मुझे कॉल करके ऐसे ऐसे कहा है और मैं अब आपकी कंप्लेंट करने वाला हूँ। जैसा ही ऐसा मेल अगर आप प्रूफ के साथ कंपनी को करेंगे तो कंपनी ज़िंदगी भर के लिए आपको तंग करना छोड़ देगी और आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट नहीं कीजिए, क्योंकि कंप्लेंट बार बार अगर जाएगी तो RBI उसकी जाँच करेगी और अगर जाँच में वो सही पाया जाता है तो कंपनी को बंद किया जा सकता है या कंपनी का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। और इसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है, 6 महीने का समय लगता है, लेकिन कंपनी बंद भी हो सकती है, इसीलिए कंपनियां डर जाती है और डर के मारे फिर दोबारा आपको तंग करना छोड़ देती है। तो जो भी लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि उनको तंग किया जा रहा है, तो आपको सिंपली उनको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके और कंपनी को पहले मैसेज कीजिए कि मैं आपके खिलाफ़ कंप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि आपके कॉल एजेंट ने मुझे गलत सलत कहा, मुझे साथ बदतमीजी की या ऐसा वैसा कहा। तो ऐसा आपके पास पहले प्रूफ होना चाहिए, अगर एविडेंस होगा तो ही आप कंप्लेन कर सकते हैं, बिना एविडेंस के सिर्फ और बोलने से नहीं होगा, आपको एक प्रूफ रखना होगा। अब इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो आप अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब करके रखें ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की अपडेट्स के लिए सबसे पहली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चलता हूं आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।